वेलकम बैक टू माय चैनल. और आप सब सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ. मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एकेडमी से. इफ़ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस शॉर्ट्स और मैंने क्यू एन ए वीडियो बनाई थी, आप अगर आपने नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा. आई एम डूइंग अ ब्यूटी सॉर्ट ऑफ कोर्स, इट्स लाइक सर्टिफिकेट इन आर्ट ऑफ मेकअप. सो मेरी हेयर क्लासेस अब खत्म होने वाली है, अब खाली मेरा मेकअप बचा है. सो आई थॉट व्हाई नॉट व्लॉग फॉर यू गाइज, आप ये जर्नी देखोगे. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माय फॉलोइंग एज वेल जिनको देखना है कि ये कोर्सेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं. डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दी थी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो. आई शुड रिमूव माई स्पेक्स ना, लेंस ही पहन गई, बट चलो कोई नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक डे इन माई लाइफ भी हो जाएगा कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ. आई थिंक मैं दो या तीन दिन का व्लॉग करने वाली हूँ एज यूजुअल. एक दिन का तो कुछ होता नहीं करने के लिए. सो या लेट्स गो, लेट मी शो यू हमने कल कौन से हेयर स्टाइल बनाए थे. कल वाला है ना ये? या ये वैसे मैम का है, हमने तो अपने जो बनाए थे हमने खोल दिया. दिस इज फ्रेंच बन का डेमो एंड दिस इज, ये हमारे बैच का नहीं है, ये किसी और बैच का सिखाया ना. पर ये फ्रेंच बन नहीं है, कुछ और है. ये फ्रेंच बन ही है, सेम ही है. ये डिफरेंट क्यों लग रहा है? मे बी हेयर कलर की वैसे लग रहा है, अलग अलग तरीके से बनाया है. चलो से हाय टू माय बैचमेट्स. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, क्या नाम है आपका? ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा उस दिन वाला. से हाय. हेलो माय नेम इज भावना. आपने खोल दिया अपने पास? हाँ. सो इनका जो है ना, इनका बेसिकली एडवांस वाला कोर्स है जो मैंने ही कर रही हूँ. और एडवांस में ना दे प्रोवाइड यू दिस, मतलब हम तो यही वाला यूज़ करते हैं, बट जिनका एडवांस का कोर्स होता है इनके पास प्रॉपर ही मिलती है, ये अपने घर ले जा सकते हैं. सो या फ्यूचर में भी करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो. हेलो आई एम बैक होम. जिस दिन मुझे शूट करना होता है मैं लिटरली भाग भाग के घर आती हूँ, बिकॉज शूट करने का जो टाइम होता है ना बहुत लंबा जाता है. सो मुझे जल्दी से घर आना होता है. जैसी मेरी क्लास ओवर होती है घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और शूटिंग में लग जाती हूँ. सो आज शूटिंग डे है मेरा. मैं ऐसे बैलेंस बना के चलती हूँ, एक दिन पे मैं सारा एडिटिंग का जो भी कॉल्स होती है वो हैंडल करती हूँ और एक दिन मैं पूरा शूटिंग के लिए रखती हूँ. सो मैं तैयार होने वाली हूँ, वीडियो शूट करनी है, थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे हल्का फुल्का और हेयर स्टाइल बना लूँगी अगर मन किया तो. और अच्छा सा मैं लूज लूज स्वेटर पहन लिया. इस रूम में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बिकॉज ये टॉप फ्लोर का रूम है. मतलब अभी जैसे जैसे शाम होती आएगी ना इस रूम में और ठंड बढ़ती जाएगी. एंड विंटर का सबसे बड़ा जो इशू होता है ना स्किन के साथ वो यही होता है, स्किन ओवरऑल बहुत डल लगती है. आई डोंट थिंक सो मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि हमारी स्किन ग्लो करती है विंटर्स में, बिकॉज किसी की नहीं करती. स्किन अजीब सी विंटर में ड्राई हो जाती है, स्ट्रेची हो जाती है, वो डलनेस आ जाती है, हाइड्रेटेड फील नहीं होती. एंड क्या है ना, मेरी स्किन है ऑयली एक्ने प्रोन, तो मैं ऐसा भी नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ कि लगाते एकदम हैवी ग्रीसीनेस आ जाए फेस पर. ग्लो तो वो दे देगा लेकिन स्किन को बहुत हैवी ग्रीसी बना देगा और ज़्यादा एक्ने होने के चांस होते हैं. सो आई ऑलवेज मेक श्योर मैं जो भी क्रीम यूज़ करती हूँ ना वो एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए, नरिशमेंट भी मिले, एट द सेम टाइम स्किन ग्रीसी फील ना हो. एंड उसके लिए सबसे परफेक्ट सोल्यूशन मुझे मिल गया है, ये है ग्लो एंड लवली की हाइड्रा ग्लो रोज इनरिच सीरम क्रीम. इसमें आपको सीरम लाइक क्वालिटी मिलती है क्रीम के अंदर ही. इसमें आपको मिलेगा नायसिनमाइड, विटामिन सी, विटामिन ई भी आपको मिलेगा, नायसिनमाइड
थायरामाइड इफ यू डोंट नो काफी अच्छा बैरियर रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करके चलता है। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन को ग्लो देता है। विटामिन ई की नरिशमेंट तो हम सबको पता है कितनी अच्छी होती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज द वाटर लाइट टेक्सचर। लुक एट दिस, इसका टेक्सचर ही काफी ज्यादा लाइट है, बिल्कुल भी स्किन पर हैवी फील नहीं होता और स्किन में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक सी एकदम गायब फटाफट से स्किन में चला जाता है, ग्लो बहुत अच्छा देता है। ऑल्सो इफ यू डोंट नो, एक फन फैक्ट कि आपकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्चर लूज करती है अबाउट 30% थ्रू आउट द डे। येस, जब आप सुबह उठते हो आपकी स्किन काफी फ्रेश ग्लोइंग लगती है, एकदम फ्रेश लगती है, लेकिन थ्रू आउट द डे आपकी स्किन धीरे धीरे मॉइस्चर को लूज करने लग जाती है, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 30%। और ये जो 30% मॉइस्चर लूज होता है ना आपकी स्किन से, उसको बैलेंस आउट करता है ये हाइड्रा ग्लो। ये एकदम 24 आवर की आपको हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को। एट द सेम टाइम 2x इसका ब्राइटनिंग इफेक्ट है, बिकॉज इसमें और इंग्रेडिएंट्स है जो स्किन को ब्राइटन अप और ग्लोइंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, आपको इसमें SPF भी मिलता है, तो आपको एक जेंटल सन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सो अगर आप मल्टीपर्पज प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिसमें आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स एक ही में मिल जाए और आपको अपने स्किन केयर रूटीन में थोड़े से स्टेप्स को कट डाउन करना हो, आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज जस्ट परफेक्ट। यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्किन एंड यू आर गुड टू गो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, येस इट्स नॉट फ्रेग्रेंस फ्री, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इसकी काफी ज्यादा एक माइल्ड जेंटल काफी एक अच्छी सूदिंग सी खुशबू आती है, विच आई पर्सनली लव। और ये जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, इसने मेरी स्किन को इरिटेट नहीं किया, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। दिस मॉइस्चराइजर इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करना। इज द नेक्स्ट डे एंड आई एम व्लॉगिंग वी आर माई फोन कैमरा, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है, सो मैं अपना व्लॉग कैमरा नहीं लेके गई थी। सो क्या हुआ, बेसिकली मैं तो अपनी नॉर्मल क्लास के लिए गई थी, बट उस दिन उनको एक मॉडल चाहिए थी फॉर अ ट्यूटोरियल, सो उनको स्मोकी आई लुक क्रिएट करना था। जब भी मैम ऐसे लुक्स क्रिएट करती हूँ, प्रॉपर ही क्रिएट करती हूँ विद क्लोथ्स एंड ऑल, सो दैट वो अपनी भी पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट कर सकें। सो दे सेड कि आप कर लो, सो आई वाज लाइक ओके। मैं अपनी ड्रेस लेके आई, मैं अपना मेकअप भी लेके गई, बिकॉज मैं उनका मेकअप नहीं यूज़ करती, मेरी एक्ने ट्रीटमेंट चल रही है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, आई पर्सनली लव्ड इट। लाइक मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था लाउड होगा, बट ट्रस्ट मी आई लव्ड इट। और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले इंस्टाग्राम पर भी, मैंने फर्स्ट टाइम ग्रीन कलर के लेंसेज पहने, आई लव द ओवरऑल लुक, बहुत अच्छा लगा मुझे फाइनली। आई थिंक मैं ये लुक डेफिनेटली सीखने वाली हूँ मैम से कि स्मोकी आइज क्रिएट कैसे होती है, और फिर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आई थिंक पूरा पर्पज कोर्स का ये है कि उनसे सीखना और फिर आपको सिखाना। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, दे सेड कि अच्छे लग रहे, 2-3 वीडियोज़ बना लो। सो मैं भी काफ़ी उस दिन खुश मूड में थी, तो मैंने काफ़ी सारी वहाँ पर वीडियोज़ बनाई। One eternity later. हेलो, आई थिंक ओके, लाइटिंग काफ़ी हार्श हो गई, इधर आ जाती हूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट या एक बार ज़रा बैठ जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट ख़राब हो गया, इनफैक्ट मुझे लूज मोशंस लग गए हैं। पर कम बैक टू द व्लॉग थिंग, आई थिंक ये व्लॉग को मैं आज एंड करने वाली हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी पहले इस व्लॉग को शुरू कर चुकी थी और अब मुझे इसको एंड कर देना चाहिए, इतना लंबा भी व्लॉग नहीं बनाना चाहिए। एक दिन में तो कुछ एक्साइटिंग होता नहीं, तो ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स मैं डालती रहती हूँ। बट कमिंग बैक टू टू मेजर लाइफ अपडेट, टू क्यों बोला मैंने, हाँ टू है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्योटिक चल रही हूँ ना इस टाइम लाइफ में, मतलब टू मेजर लाइफ अपडेट्स। सबसे पहला लाइफ अपडेट है कि मेरी शादी प्रीपोन हो गई है। यस, लोगों की शादी डिले होती है, लेट हो जाती है, मेरी शादी प्रीपोन हुई है और जल्दी हो रही है मेरी शादी, भगवान कह रहे हैं। सो भाग्यवती भव, जल्दी जल्दी शादी करो, सेटल हो जाओ। सो या द पैनिक इज रियल, बिकॉज पहले ऐसा लग रहा था कि कितना कम टाइम है, वैसा लग रहा है प्रीपोन हो गया तो और ज़्यादा कम टाइम है। मतलब मैं 2 हफ्ते से जो एंग्जाइटी स्ट्रेस मेरा जो चल रहा है ना, वो एकदम पीक पर चल रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। बट या सो दैट इज़ अ थिंग, तो मुझे फटाफट से ब्राइडल लहंगा लेना है, बिकॉज इतने कम टाइम में कोई भी आपको ब्राइडल लहंगा रेडी करके नहीं देगा। सो कल मैं गई थी मेहरोली, मैं अपने पार्टनर के साथ ही गई थी, और मैं जब उसके साथ होती हूँ मैं इतना व्लॉग नहीं करती, बिकॉज ही इज़ आइदर ऑन द कॉल, उसकी अपनी कॉल चलती रहती हैं वर्क की, तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉगिंग एंड ऑल नहीं करती। लेकिन मैंने क्लिप शूट करी थी कल मेहरोली की। मैं सबसे पहले कल गई थी पर्नियाज पॉपअप स्टूडियो, विच इज़ इन मेहरोली, जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है जस्ट, वो मेहरोली जहाँ पे सारे डिजाइनर स्टोर्स है ना, स्टार्ट होने से पहले ही बाहर रोड पर बहुत बड़ा खुला है पर्नियाज पॉपअप। सो वो बेसिकली क्या है, वो स्टूडियो सॉर्ट ऑफ है, डिजाइनर आप बोल सकते हो, एक हब है, वहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइनर ब्रांड्स मिलेंगी एक रूफ के अंडर, लेकिन सबके एंटायर कलेक्शन ही मिलेंगे आपको, हर एक डिजाइनर लेवल के छोटे 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 कलेक्शन देखने को मिलेंगे। बिकॉज जस्ट अभी मैंने शुरू किया है ब्राइडल शॉपिंग का हंट, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे ये था कि एक रूफ के अंदर मुझे सारा दिख जाएगा, एंड आई वॉज शॉक, बिकॉज अच्छे से अच्छा ब्राइडल लहंगा 3-4-5 लाख से कम नहीं था ना भाई, मुझे लगा डिजाइनर 1-2 लाख में आ जाता होगा, बट ऐसा नहीं है गाइज, महंगे आते हैं डिजाइनर। उसके बाद में मुझे चुल हुई कि चलो मेहरोली आई है तो और अंदर चलते हैं, जो उनकी मेन डिजाइनर हब है, जहाँ पे अंदर सारे स्टोर्स हैं,
हाँ सबसे पहले मैं गई रिम्पल एंड हरप्रीत. अगेन आई रियली लाइक वन लहंगा, मतलब मेरा दिल आ गया उस लहंगे पर, बट वेरी वेरी एक्सपेंसिव. आई थिंक 7 or 8 lakhs का वो लहंगा था. मतलब इतने में तो पूरी शादी का बजट हो जाता है यार, जितने में लहंगा मिल रहे हैं. सो उसके बाद मैं सब्यसाची भी गई, मुझे सब्यसाची ट्राई करना था. मैंने एक सब्यसाची का लहंगा ट्राई भी किया. येस, एंट्रिंग इन टू सब्यसाची स्टोर, मतलब वाइब भी अलग थी वहाँ. तो ऐसा लगता है कोई मुगल एरा में आ गए, एकदम जोधा अकबर का कोई सेट है. बहुत अच्छा था. मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया, बोलोगे वीडियो क्लिप्स क्यों नहीं ली, बिकॉज ऐसे स्टोर्स में वीडियोग्राफी नहीं अलाउड होती. वो आपको फोटोज नहीं लेने देंगे, वो आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे. इनफैक्ट सब्यसाची के स्टोर में नेटवर्क जैमर लगे हुए थे. यस, वहाँ पे नेटवर्क जैमर थे. वो आपको मतलब वहाँ पे आप कॉल्स एंड ऑल भी नहीं मिला सकते. काफी ज्यादा खुफिया वाला काम चल रहा था वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर स्केयर्ड कि अंदर हर बंदे फिल्म करने लग गया तो उनके भी डिजाइन लीक होने के चांस होते हैं और वट एवर. आई डोंट नो वट आर द रीजन, बट अलाउड नहीं होता. सो या दैट इज अ थिंग. बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर ही सकती हूँ. मुझे कल स्टोरीज में काफी लोगों ने पूछा. सो जो लोग मेरी वीडियोज देखते हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट पता चल जाएगा. सो दैट इज द थिंग. एंड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे सब्यसाची का भी, 4, 5, 6, 7 lakhs से नीचे का कोई लहंगा नहीं था. एंड एवरी डिजाइनर वो लाइक कि 3 या 4 महीने तो हमें मिनिमम चाहिए होते हैं बनाने के लिए. सो आप काफी लेट आ रहे हो बिकॉज टाइम काफी कम है. फिर मैंने मनीष मल्होत्रा पे देखे, मैंने एक दो डिजाइनर स्टोर्स और देखे, बट किसी को भी देख के ना मुझे वाव वाली फील नहीं आई. और मैं वाव वाली फील पे चलती हूँ. लाइक मेरे से अभी भी कोई पूछेगा ना आपको ब्राइड लहंगा कैसा पहनना है, आई विल बी लाइक नम, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है. दो मैंने अब एक डिजाइन देख लिया जो मुझे बहुत पसंद आया, एंड आई माइट फाइंड समथिंग सिमिलर टू दैट. बट उससे पहले तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक थी. मुझे पता इनका कलर कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए. जैसे काफी लड़कियां पर्टिकुलर होती है ना, मेरा ऐसा नहीं था. मैं एकदम फ्री हैंड घूमती हूँ हर चीज में कि वाह, बस किसी को देखा दिल आ गया, लव एट फर्स्ट साइट हुआ, हाँ यही अच्छा है और यही लेना है, ऐसा वाला सीन होता है. सो दैट इज अ थिंग. कल तो मेहरोली का पूरा हमारा टूर हो गया, कल हम गए थे, पूरा देख लिया, एटलीस्ट आइडिया लग गया कि हाँ यार डिजाइनर आइटम्स की क्या हाइप है. अब मैं जाने वाली हूँ चांदनी चौक. यस, मैं एकदम एक्सप्लोर कर रही हूँ हाई एंड से लेकर लो एंड तक. मुझे भी शाहपुर जाट भी जाना है, मुझे भी डिफेंस कॉलोनी भी जाना है. डिफेंस कॉलोनी और मेहरोली में ज्यादा फर्क नहीं है. मैंने सारे स्टोर्स पे जाके पूछा था, दे सेड हमारे स्टोर डिफेंस कॉलोनी में भी है एंड ऑलमोस्ट कलेक्शन इज काइंड ऑफ सेम. ऐसा नहीं कि वहां पे डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी. वैरायटी का थोड़ा बहुत होगा लेकिन ब्रांड्स और कलेक्शंस इज ऑलमोस्ट द सेम. तो मैं जाना चाहती हूँ शाहपुर जाट, वहां पर और थोड़े से और लेसर बजट यू कैन से, कि बिल्कुल जो मनीष में होता है सब्यसाची से, जो सेकंड थोड़े से कम प्राइस रेंज के होते हैं डिजाइनर स्टोर्स. भाई मेरी शादी हो जाएगी, मैं घर से चल जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही बंद हो गई, मतलब हद ही हो गई है. सो वहाँ मुझे जाना है, लेकिन अभी मैं जाऊँगी चांदनी चौक. मैं अब जाने वाली हूँ कमिंग वीक में, मुझे जाना ही पड़ेगा बिकॉज ब्राइडल लहंगा मैं जब तक नहीं लूँगी ना मेरी सांस ऐसे अटकी रहेगी, बिकॉज दैट इज समथिंग की टाइम लगता है बनने में यार. सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं फटाफट से ब्राइडल का डन करने वाली हूँ. सो या दैट इज अ थिंग. व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. अब जो नेक्स्ट अगर चांदनी चौक जाऊँगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए व्लॉग्स इन ऑल बनाई लूँगी. जो लोग मुझे नहीं फॉलो करें प्लीज़ फॉलो मी यार, मैं बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए क्लिप शूट करने वाली हूँ. ऑल द ब्राइड टू बीज है जिनको भी शॉपिंग की गाइड चाहिए, आपको मेरी अपकमिंग वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है. सो ये तो हो गया दो लाइफ अपडेट. एक और लाइफ अपडेट है वैसे, या मैंने अपना कोर्स अपग्रेड कर दिया है. सो मेरी शादी तब प्रीपोन नहीं हुई थी, तब तक मुझे लग रहा था कि मेरा बेसिक लेवल तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मैं ज़रा डिप्लोमा ही कर लेती हूँ. एटलीस्ट मैं डिप्लोमा करके फ्री हो जाऊँगी, मुझे फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ना नहीं है. मैं शादी से पहले पूरा डिप्लोमा करके रख लेती हूँ. सो मैंने अपना बेसिक का जो कोर्स था उसको डिप्लोमा में अपग्रेड करा लिया, जो थोड़े बहुत और पैसे देने होते हैं, 20-something thousand ने ऊपर से दिए. 50-55 thousand का एक कोर्स है जो मैं ओरेंज से कर रही हूँ. पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई, आप जाकर देख सकते हो. सो मैंने अब ले लिया है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप, विच इज लाइक अ होल प्रॉपर मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का कोर्स होता है. और वो कोर्स लेते ही मेरी शादी प्रीपोन हुई. मतलब पैनिक प्रो अल्ट्रा मैक्स HD, मतलब इतना कुछ हो रहा है. अभी मेरी लाइफ ऐसी चल रही है कि यहाँ से ब्रांड बोलती है स्क्रिप्ट दो, कंटेंट दो, काम दो, इधर से मेरी क्लासेस चल रही हैं, वो कहते हैं असेसमेंट है, इसको रिवाइज करो, ये सीखो, इधर से मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, ये देखो. मतलब मेरा हो गया, मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, मेरे स्ट्रेस लाइनें देख रहे हो सर, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. मेरी स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी, बट या बीइंग अ ब्राइड इज नॉट ईजी. काफी ज्यादा दुख चल रहे जिंदगी में. सो ये था मेरा अननेसेसरी रैंट. मेरा टेडेक्स स्पीच तैयार हो जाती है आई डोंट नो हर बात पे, बट आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्लॉगिंग. व्लॉगिंग में आप एकदम 1-to-1 होकर बातें कर सकते हैं ऐसे नेचुरली बैठ के विदाउट मच मेकअप. मैंने ज्यादा मेकअप नहीं किया, टिंटेड सनस्क्रीन लगाई है. मेरा एक्ने काफी ठीक हो गया है वो ट्रीटमेंट से. ये जो आ रहे हैं ना, ये स्ट्रेस वाले आ रहे हैं जो आते ही रहेंगे अगर मैंने स्ट्रेस लेना बंद नहीं किया. बट या सो दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम पर. आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलने वाली है. आजकल तो वैसी शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा. सो या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.